आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में बेटी को घसीटने वाला कोई मुसलमान होता, आप कल्पना कीजिए कि जहाज में एक महिला पर सुसु करने वाला मुसलमान होता, आप कल्पना कीजिए कि गलती से दिल्ली में कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की हत्या करने वाला, एसआई की हत्या करने वाला, जिसका नाम था अनीश राज, उसको कहा गया कि वो मुसलमान है, और कहा सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सागर ने, अब उसने ट्वीट डिलीट कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने खुद ट्वीट करके कहा है कि वो एक हिंदू है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, और क्यों फैलाया जाता है, इससे किसको फायदा है। दरअसल इस देश में जब से धर्म की राजनीति शुरू हुई है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बात खत्म हो गई है। दरअसल इस देश में 90-95% जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी है, और वो धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ जाति की राजनीति होती थी। कुछ लोगों ने जाति बनाई और जो जाति बनाने वाले थे उन्होंने जाति में सबसे अपने आप को ऊपर रखा और सारी मलाइयाँ उन्होंने खाई। राजा कोई आए, मलाई वही खाते थे क्योंकि वो धर्म गुरु कहलाते थे। उसके बाद खेल पलट गया। जब संविधान लागू हो गया तो पता चला कि संविधान में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिल गया, उनको हक अधिकार मिल गया। तो ये आइडिया जब फ्लॉप होने लगा तब हिंदू को मुस्लिम से सामने खड़ा कर दिया गया, और अब वो वही चल रहा है। सोचिए, कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष कहता है कि हम नाला सड़क स्कूल अस्पताल के लिए नहीं आए हैं, हम लव जिहाद के लिए आए हैं। आपको बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा मर्डर जो है वो जाति के नाम पर होता है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लगभग 10,000। सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि हर मामले में मीडिया, टीवी और अखबार, वो तो शुक्र है दिल्ली पुलिस का जिसने कम से कम सही बात बोला। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये मुसलमान होता तो फिर ना, ये होता है टूल किट। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम से वोट मिलता है, आरएसएस को हिंदू मुस्लिम से ताकत मिलती है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो मुसलमानों का नहीं हो रहा है, हिंदुओं का हो रहा है। लेकिन किन हिंदुओं का हो रहा है? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, और वो धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं जिनके प्रायोरिटी में ही नहीं है डेवलपमेंट, उनकी प्रायोरिटी में गाय, गोबर, गौमूत्र और मंदिर मस्जिद है। सोचिए, अगर ये कांस्टेबल का हत्यारा, एसआई का हत्यारा कोई मुसलमान सचमुच होता तो पूरे दिल्ली में मुसलमानों की जिंदगी नरक कर दी जाती, दंगे शुरू हो जाते। सोचिए, इसी तरह से इंदिरा गांधी की हत्या एक दो सिखों ने की थी, पूरे सिखों को मारा गया। ये कौन लोग हैं जो पत्थर चलवाते हैं उनके हाथ के पीछे, समझिए। इस देश में रोज दलितों को मारा जाता है, पिछड़ों को मारा जाता है, आदिवासियों को मारा जाता है। सोचिए, जाट आरक्षण मांग रहे थे उनको मार दिया गया, गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे उनको मारा गया राजस्थान में, पटेल आरक्षण मांग रहे थे उनको गुजरात में मारा गया। इस देश में लगातार कम्युनिटी वाइज कौन हिंसा भड़काता है उसी को हम लोग ब्राह्मणवादी, जातिवादी और मनुवादी कहते हैं। सोचिए, अगर वो मुसलमान होता शंकर मिश्रा तो आज पूरे मुसलमान के बारे में कैंपेन चलता कि जहाज में इनको बैठने न दिया जाए क्योंकि ये महिलाओं पर पेशाब करते हैं। अगर दिल्ली में बेटियों को घसीटने वाला 13 किलोमीटर कोई मुसलमान होता तो इस देश में कैंपेन चलाती टीवी और अखबार कि मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, क्योंकि टीवी अखबार में जो बैठे हुए हैं वो सब के सब मनुवादी हैं, एक जाति विशेष और धर्म विशेष के हैं, वो सब हिंदू नहीं है मेरे दोस्त, वो सब ब्राह्मण समाज से आते हैं जो अपने आप को वैदिक धर्म और जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर कहते हैं, और वैदिक धर्म में जिनको सारे अधिकार प्राप्त हैं। सोचिए, मोहन भागवत, एक ब्राह्मण वेटनरी का डॉक्टर, वो कहता है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है इस देश में। ये क्या उनके पिताजी का देश है? ये क्या मोहन भागवत के पिताजी का देश है? और वो हिंदुओं के रिप्रेजेंटेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उसमें भी कोंकणी ब्राह्मण के। आप सोचिए,
रज्जू भैया एक राजपूत समाज से थे, वो आरएसएस के प्रमुख बने, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उसके बाद आरएसएस में एक भी ब्राह्मण समाज का के अलावा कोई प्रमुख नहीं हुआ। अगर आप इतने ही हिंदुओं के हित का पैरोकार हैं मोहन भागवत, और आपके इशारे पर सरकार चल रही है, तो बनाइए ना सुप्रीम कोर्ट में जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूतों को जज। कौन कह रहा है आपको रोक रहा है? दीजिए ना वाइस चांसलर की नौकरी, जज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाइए, सेना का प्रमुख बनाइए, अग्निवीर योजना रद्द कीजिए, इस देश के जवानों को नौकरी दीजिए। आपके सरकार कह रही कि पकौड़ा तलो। ये मोहन भागवत जैसे लोगों से सावधान रहिए जो रोज हिंदू मुस्लिम का नाम लेते हैं। आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं है। आरएसएस ने 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आरएसएस ने लेख लिखकर कहा जब बाबा साहब संविधान दे रहे थे इस देश को कि हम इस देश का संविधान नहीं मानते हैं। इस देश में जब हिंदू कोड बिल बन रहा था तो करपात्री महाराज ने संसद का घेराव किया। इस देश के संविधान और तिरंगा के खिलाफ इस देश के मनुवादी हमेशा से आवाज उठी करते रहे। ये तो मजबूरी है उनकी। जब इस देश के 95-96% लोगों ने इस देश के संविधान को आत्मसात कर लिया, सोचिए इस देश के राजपूतों ने अपने राजवाड़े छोड़े इस देश के लिए कि हम एक भारत बनना चाहते हैं, हम संविधान मानना चाहते हैं। इस देश में जाट गुर्जर पटेल मराठा के राजा होते थे। इतिहास देखिए, मुगलों के साथ कौन दोस्ती कर रहे थे? ये तानसेन कौन था? ये बीरबल कौन था? ये टोडरमल कौन था? अंग्रेजों के यहां नौकरी क्या लिखा था तिलक साहब ने? वेदास कम्स फ्रॉम अटार्टिका, हम तो आपके तरफ से आए हैं, हम दोस्त हैं आपके। उन्हीं की लाइन थी, ये तेली तंबोली कुर्मी कोयरी कहार संसद जाके क्या करेगा। तो सोचिए इस तरह की स्थिति है इस देश में। और आज भी अब जाकर जातियों के नाम पर जिन लोगों ने मलाई खाई है वो अब धर्म के नाम पर इस देश को बांट रहे हैं, और मुसलमानों का एंगल ढूंढा जा रहा है। और सारे पत्रकार जो टीवी में बैठकर नफरत फैला रहे हैं वो एक जाति विशेष के पत्रकार हैं। इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम बड़े जगहों पर हर जाति और धर्म के लोग होते तो ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाता, ये देश ब्राह्मणवाद मनुवाद की तरफ नहीं जाता। लेकिन एक ही जाति के लोग सारे जगहों पर बैठे हुए हैं और वो अपनी मर्जी से ये सारा काम कर रहे हैं। ईडी के डायरेक्टर को 3-3 बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। और ये मोहन भागवत जैसे लोग, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप हैं कौन? आपने ठेका ले, आप एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, अगर आरएसएस अगर एक सामाजिक संगठन है तो आपको सर्टिफिकेट किसने दिया है? और अगर आपको सर्टिफिकेट दिया किसी ने बोलने का कि ये देश मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, अरे भागवत जी आप सर्टिफिकेट देंगे? वो आरएसएस सर्टिफिकेट देगा जो आजादी के आंदोलन में ही शामिल नहीं था? मुसलमानों ने खून बहाए हैं यहां। कौन लड़ रहा था टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर? इतिहास देख लीजिए, पेशवा लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था अंग्रेजों के साथ मिलकर, मुगलों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के वंशजों से? पेशवा लड़ रहे थे। ये लोग धर्म और जाति के नाम पर देश को तोड़ देंगे। आरएसएस का इतिहास दागदार है। आरएसएस तिरंगे को नहीं मानता था। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया है। गांधी जैसे, मैं तो उनको उतना लिबरल भी नहीं मानता हूं, लेकिन चूंकि गांधी सबको हक अधिकार के पक्ष में थे, उनकी हत्या हो गई। बाबा साहब ने आरएसएस के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी है। उन्होंने आरएसएस को मेंशन करना भी जरूरी नहीं समझा है। आप सोचिए इस देश में अगर वो शंकर मिश्रा मुसलमान होता तो क्या होता? वो दिल्ली में 13 किलोमीटर घसीटने वाला बीजेपी का नेता न होकर कोई मुसलमान होता तो क्या होता? लेकिन मैं एक बात और कह दूं, इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूत से, अगर आपको लगता है कि आप जातिवाद या सांप्रदायिक हिंसा करके बच जाएंगे तो आप गफलत में हैं। आप पर कार्रवाई होगी, बराबर कार्रवाई होगी। आप बीजेपी के नेता भी रहेंगे तो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जाति के रूप में आप सबसे टॉप पर नहीं बैठे हुए हैं। ये देश जातिवाद के नाम पर चलाया जा रहा है। और अभी फिलहाल जब तक ये जाति के नाम पर मलाई खा रहे थे तब तक जाति के नाम पर खाएं, और अब ये धर्म के नाम पर मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस देश के 90-95% लोग जिनके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, इस देश में स्कूल कॉलेज अस्पताल खत्म हो रहा है, सेना की नौकरी खत्म हो रही है, LIC IDBI बैंक बेचा जा रहा है,
इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये सब सवाल आप पूछिए मोहन भागवत से, इस पर कुछ बोलेंगे? बिहार में बोला था उन्होंने कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, एक जातीय जनगणना पर वो अपनी बात करके दे दे। आरएसएस की लगातार कोशिश है कि देश को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया जाए, और इसमें कुछ उनके मुस्लिम दोस्त भी शरीक हैं जो अपनी रियासत और सियासत बचाने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम का फसाद पैदा कर रहे हैं। और इस पत्रकार का क्या कहना, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी और अखबार। आपके घर में आरएसएस के दो प्रवक्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो टीवी और अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। क्या मोहन भागवत ने ठेका ले रखा है हिंदुओं का? क्या मोहन भागवत हिंदुओं के ठेकेदार हैं तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूतों को हर जगह बराबर की भागीदारी दिलवाएंगे? और नहीं तो उनको हिंदू होने का कोई हिंदू का ठेकेदार किसने बनाया? सवाल सबसे बड़ा ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ठेकेदार भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो दरअसल बीजेपी के लिए वोट बैंक बना रहे हैं। इस देश को मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है, और इसीलिए जानबूझकर एक हिंदू हत्यारे को मुसलमान कहा जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।